हेलो वेस्ट प्रोग्रामर्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट्स पे अपॉइंटमेंट बुकिंग को कैसे एड ऑन करते हैं इन वर्डप्रेस। मींस कि हम वर्डप्रेस की वेबसाइट्स में बुकिंग अगर हमें कुछ करने, जैसे कि कस्टमर को कुछ हम लोग सैलून खोले हो या फिर कुछ हमारा कुछ ऐसी कैटेगरीज हो, मींस हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो, तो उन सर्विसेज के लिए अपॉइंटमेंट्स होती है कि अगर क्लाइंट को डायरेक्टर से मिलना हो या ओनर से, बिजनेस के ओनर से मिलना हो, तो उसके लिए वो बिजनेस अपॉइंटमेंट बुक करता है पहले या फिर अपॉइंटमेंट शेड्यूल्ड करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने वर्डप्रेस के जो मेरा डैशबोर्ड है उस पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद हम प्लगइन्स में ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च प्लगइन में इनपुट लिख करेंगे इजी अपॉइंटमेंट। ओके, जैसे ही हम सर्च करेंगे तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले ही हमारे पास आ गया इजी अपॉइंटमेंट, ऐड बुकिंग सिस्टम टू योर वर्डप्रेस साइट एंड मैनेज अपॉइंटमेंट्स विद एस Extremely flexible time management and custom email notification। बहुत से ऐसे होते हैं जैसे बुकली है, बुकली भी बहुत अच्छा है, एंड बुकिंग पैकेज अपॉइंटमेंट ये भी बहुत अच्छा है, एक आवरली बुकिंग का होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। बट इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम लोग ईजी अपॉइंटमेंट प्लगइन को, वर्डप्रेस प्लगइन को अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा उसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। एंड मेरा इंस्टॉलेशन चल रहा है, हाँ इसी के इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्टिवेट कर लूंगा। एक्टिवेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड पे इजी अपॉइंटमेंट नाम से आ चुका है नेविगेशन बार में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लोकेशन है कुछ नहीं, सर्विसेज कुछ नहीं, वर्कर्स कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग में कुछ भी चीज़ नहीं होगी स्टेटस को छोड़ के। सो जस्ट सपोज हमें अपॉइंटमेंट को ऐड करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग एंड सेटिंग्स में चलते हैं, हमें चीज़ें ऐड ऑन करनी होंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोकेशन ऐड करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो लोकेशन, मीन्स कौन सी लोकेशन पे आप ये चीज सर्विस प्रोवाइड करना चाहोगे। मैं डमी सर्विसेज का नेम दूंगा या लविन लोकेशंस का नेम दूंगा, आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से अपनी सर्विसेज का नाम दीजिएगा, लोकेशन, वर्कर्स, कनेक्शंस एंड ऑल आई थिंक्स। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोकेशन को ऐड करते हैं। तो लोकेशन मैं लिख लेता हूँ, जैसे मैं इंडिया का हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया लिख लेता हूँ, एंड एड्रेस में भी इंडिया एंड लोकेशन में भी इंडिया, नेम भी मैंने इंडिया दिया एंड इसको मैं करेंगे सेव कर देंगे। फिर सर्विसेज, हमें सर्विसेज से ऐड करनी है, ज़रूरी नहीं कि जैसे हमने लोकेशन में एड्रेस में भी इंडिया दिया है, लोकेशन में भी इंडिया दिया है, ज़रूरी नहीं कि आप तीनों चीज़ें दो, आप एक चीज़ दो तो भी वैलिड रहेगा, वो करेगा। यहाँ पे जाके हम सर्विसेज देंगे कि मतलब हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सपोज मैं यहाँ पर डेमो के लिख लेता हूँ, तो टेस्ट डेमो, ड्यूरेशन मिनट्स में, ठीक है, स्लॉट्स स्टेप्स वो भी है, प्राइस अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप यहाँ पे प्राइस हटा दीजिए, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है तो यहाँ पे जो ₹10 या $10 जो भी है, जो प्राइस है टेन, वो रहने दीजिए। एंड हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। मैंने एक सर्विस का नाम लिया है जिसका नाम है टेस्ट डेमो और उसका प्राइस है ₹10 पर आवर। वर्कर्स एंड वर्कर्स अगर आपको एड ऑन करने हैं तो आप यहाँ पे वर्कर का नेम दीजिए, जस्ट लाइक मेरा जो नेम है वो एज, डिस्क्रिप्शन एज प्रोग्रामर्स, ईमेल जो है ऑफिशियल डॉट एज प्रोग्रामर्स gmail.com, नंबर के लिए आप नंबर आप अपने जो सर्विसेज रहेगा वहां पे आप नंबर देंगे।
एंड इसके बाद वर्कर्स एड ऑन होने के बाद हम क्या करेंगे कनेक्शंस। तो हम क्या करेंगे ऐड कनेक्शंस को ऐड करेंगे, जैसे लाइक लोकेशन मैंने क्या दी थी इंडिया, सर्विस क्या मेरे टेस्ट डेमो, एंड वर्कर का क्या नेम है एच, क्योंकि एक सिंगल वर्कर है तो मैंने एच दिया। जितने सर्विसेज होंगे उतने हम यहाँ सर्विसेज एड ऑन कर सकते हैं, जितने वर्कर्स हैं हम वर्कर्स एड ऑन कर सकते हैं, और कंट्री है लोकेशन है तो हम लोकेशन एड ऑन कर सकते हैं। एंड इसके बाद क्या आता है डे ऑफ वीक्स, हम कितने दिन वर्क करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल लेकर सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, हमारा टाइमिंग स्लॉट क्या रहेगा। तो टाइमिंग स्लॉट में जैसे सपोज मैं डाल देता हूँ 9 बजे से लेके, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, सब कुछ नहीं है कि स्टार्ट टाइम मेरा 9 एंड एंड टाइम जो रहेगा मैं क्या करता हूँ उसको 19 कर लेता हूँ, यानी कि 7:30 बजे यानी 7:30 PM। ओके एंड डन, डेट ये इज वर्किंग, मैं इसको यस करता हूँ एंड एक्शन में सेव कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं इसको कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज करने के लिए देखिए जनरल है, मेल नोटिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें आप पेंडिंग्स है, रिजर्वेशन है, कैंसिलेशन है, कंफर्म्ड है, एवरीथिंग आप यहाँ से एडमिन है। फुल कैलेंडर शॉर्ट कोड्स है, ठीक, लेबल्स है, ओके, सर्विसेज लोकेशन वर्कर डन, मैसेज डेट है, कस्टम फॉर्म फील्ड है, मींस कस्टम फॉर्म फील्ड का यहाँ पे आप नेम दो, इनपुट टाइप दो, वो एड ऑन हो जाएगा। जैसे सपोज मैं क्या करता हूँ जेंडर लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो जेंडर एंड यहाँ पे हम चेक करते हैं रेडियो बटन है कि नहीं। ओके रेडियो बटन नहीं है तो मैं क्या करता हूँ सर्विसेस लिख लेता हूँ। ओके सर्विसेस एंड इसको इनपुट टाइप देके मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एड ऑन का। तो ये सर्विसेज मेरे ऐड हो गए, सर्विसेज जितने भी सर्विसेज थी यहाँ पे सारी सर्विसेज आ जाएंगी। ओके मैं चेक करता हूँ सर्विसेज है एंड मैं क्या करूँगा इसको सेव कर। अगर आपको कस्टम फॉर्म बनाना है मींस तो आप यहाँ से कस्टम फॉर्म भी बना सकते हो एंड इसमें हम आखिर में करते हैं सेव कर लेते हैं। तो देखिए क्या आया इसमें लोकल होस्ट सेस सेटिंग सेव्ड, सेव्ड हो गया। सेव्ड होने के बाद हम क्या करते हैं टूल्स पे चलते हैं कि क्या लिखा है, टच ईमेल टेस्ट इफ द ईमेल सर्विस इज वर्किंग फाइन ऑन दिस साइट बाय जनरेटिंग अ टेस्ट ईमेल जनरेटिंग सर्वर एड्रेस। ओके कुछ रखना है तो आप रखिए, ना रखना तो नहीं रखिए। अब हम क्या करते हैं सीधे पेजेस पे चलते हैं। पेजेस पे चलने के बाद हम क्या करते हैं ऑल पेजेस पे चलेंगे एंड यहाँ पे एक बुकिंग नाम से मेरा ऑलरेडी पेज है तो मैं क्या करता हूँ इसी पे चलते इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड डिलीट करने के बाद मैं करता हूँ एक नया पेज क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नेम देता हूँ बुकिंग इजी। होपफुली शायद स्पेलिंग गलत हो तो सॉरी अपॉइंटमेंट्स। ओके एंड अब मैं क्या करता हूँ जैसे कि बुक इजी अपॉइंटमेंट जो बुकिंग है इसको दो तरीके से आप एड ऑन कर सकते हो, कि एक सिंगल या फिर आप मल्टीपल कॉलम्स। तो अगर आपको सिंगल कॉलम्स में गाइस एड ऑन करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसके शॉर्ट कोड्स होते हैं, शॉर्ट कोड्स आप वर्डप्रेस की साइट से भी आप ले सकते हो या फिर मैं शॉर्ट कोड्स को अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूं डाल दूंगा, आप वहां से भी यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास शॉर्ट कोड है, अगर आपको सिंगल कॉलम के लिए यूज करना है तो सिंपल है, आप क्या करो इस कोड को कॉपी करो यहाँ से एंड कॉपी करने के बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं। प्लस करने के बाद क्या करते हैं हम इसको पब्लिश करेंगे। ओके एंड पब्लिश, जैसे पब्लिश हो जाएगा तो मैं इसको व्यू पेज पे जाऊंगा ऐसे मैं इसको व्यू करूंगा। तो देखिएगा गाइस ये पूरा जो फॉर्म है ना वो एक ही उसमें आ रहा है, रो में एक ही कॉलम में है। जैसे लाइक अगर आपको कोई बुकिंग करना है तो ये तो इतना फाइन नहीं लग रहा है, तो अगर जैसे सपोज अगर आपको टू कॉलम्स में एड ऑन करना है तो सिंपल है गाइस क्या करेंगे आप लोग, हम लोग इसका भी शॉर्ट कोड होता है एक, तो ये शॉर्ट कोड है इसका एंड हम लोग क्या करते हैं इस शॉर्ट कोड की जगह पे सी को रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने के बाद हम अपडेट करेंगे वापस से एंड इसके बाद हम क्या करेंगे पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए गाइस क्या हुआ, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इसने कैलेंडर दिया हमें, जैसे लाइक
मुझे आज का, अगर आज ही बुक करना है तो मैं आज दे सकता हूँ, बट इफ मैं आज कर नहीं सकता हूँ, होपफुली कर चुका हूँ, कर सकते हैं बुक। आने से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डमी इमेज ईमेल मुझे मिली है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, सर्विसेज मेरी सब ऐड हो चुकी हैं। सर्विसेज हैं लोकेशन इंडिया, वर्कर्स एंड प्राइस $10। ओके, सिंपल है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डालूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एज अ यूजर हूँ, मुझे बुकिंग अप्रूवल करवानी है। अपनी इंफॉर्मेशन दूंगा तो वहां से अगर आएगा कंफर्म तो मैं फिर कंफर्म करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं लिख लेता हूँ user@gmail.com, नेम मैं लिख लेता हूँ पवन। ओके, फोन नंबर मैं सिर्फ एग्जांपल मैं एंड यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट। ओके, एंड सर्विस से मुझे क्या, तो कुछ सर्विस जो कि हमारे कुछ है नहीं थी, मैं करते हैं इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट कर दिए, देखिए हमारी सर्विस ऐड हो गई, मतलब हमारे जो बुकिंग है यहाँ से जा चुका है, डन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमको जैसे बुकिंग को देखना है तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, अपने डैशबोर्ड पे पहले तो चलता हूँ। डैशबोर्ड पे चलने के बाद हम क्या करेंगे, इजी अपॉइंटमेंट में चलेंगे। अपॉइंटमेंट्स देखिए, कस्टमर, उसकी ईमेल आईडी, उसका नेम एंड डिस्क्रिप्शन में टेस्ट। ओके, यहाँ से एडिट कर सकते हैं कस्टमर की चीजें। ठीक है, एंड सेव। सो आई होप गाइस, ये एक ऐसा वर्डप्रेस का प्लगइन था जिसके थ्रू आप इजीली अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हो। वीडियो पसंद आए गाइस तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।